वायरल एमएमएस क्लिप पर अंजलि अरोरा का बयान, सफाई देते देते रो पड़ी काचा बादाम डांसर। लगातार कुछ दिनों से काचा बादाम फैम अंजलि अरोरा खबरों में अहम हिस्सा बनी हुई है। सोशल मीडिया पर एक एमएमएस वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की और एक लड़का दिखाई दे रहा है। अब यह दावा किया जा रहा है कि इस क्लिप में जो लड़की दिखाई दे रही है वो कोई और नहीं बल्कि अंजलि अरोरा है और ये लड़का जो है वो उनका बॉयफ्रेंड है। बता दें कि अंजलि अब इस बात से काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने बातचीत में पूरे मामले पर सफाई दी है और इस दौरान बात करते करते वो रो भी पड़ी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस एमएमएस वायरल क्लिप पर अंजलि का क्या पक्ष है। अंजलि अरोरा के एक फैन पेज से उनकी सफाई वाला वीडियो साझा किया गया है जिसमें वो कह रही है कि कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को गलत तरीके से लेकर आ रहे हैं। ठीक है यार कि आप बदनाम करना चाहते हो, लेकिन इस तरह से कहते हैं ना कि जब किसी की बराबरी ना हो पाए तो उसे बदनाम करना शुरू कर दो, बस यही सब कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ इनके लिए, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया है, मैं हूँ ही नहीं वो। अंजलि ने आगे रोते हुए कहा, ऐसी चीज़ें करने से पहले ये नहीं सोचते कि किसी की फैमिली क्या सोचेगी, किसी की फैमिली पर क्या असर पड़ेगा, उनकी फैमिली ये झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी। मैं अभी सिर्फ 21 साल की हूँ, मैं भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें मैं झेल पाऊँ। मैं समझती हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल कर दी गई है, किसी की भी फ़ोटो एडिट कर दी, किसी का भी वीडियो एडिट कर दिया, इसमें लोगों को मज़ा आने लग गया है। बहुत कुल होकर कहते हैं कि देखो यार इसका ये हो रहा है, इसका वो हो रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किसकी इज्जत के साथ खेल रहे हो? अगर तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी बहन के साथ ऐसे हो तब क्या, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है? अंजलि ने सोशल मीडिया पर दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा है, मुझे नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, लोगों ने तो मुझे बनाया है, इनकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, मेरी फैमिली भी सारी वीडियो देखती है। कभी कभी जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं, जिनमें मैं हूँ ही नहीं, उनको क्यों फैला रहे हैं ये YouTube पर फालतू की चीज़ें व्यूज़ के लिए। मेरी भी फैमिली है, छोटे भाई है जो ये देखते हैं। अंजलि का दावा है कि यह पहली बार नहीं है जब उनका फर्जी MMS वायरल किया गया है। जब वे कंगना रनौत के शो लॉकअप में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही थी तब उनके पेरेंट्स ने पुलिस में फेक वीडियोस के खिलाफ शिकायत भी की थी। अंजलि ने यह भी कहा कि उनके भाई, बॉयफ्रेंड आकाश और अन्य फैमिली मेंबर्स ने फेक वायरल वीडियो के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।